हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं आप लोग, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे BGMI के ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं खाली बैठा था तो मैंने BGMI ऑन कर लिया और सोचा आज मैं बंदों को चुन चुन कर मारूंगा, तो फिर मैं रैंडमों के साथ लिविक का एक मैच प्ले कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे बंदे मारने की खुजली थी, इसीलिए मैं अपने टीम मेटों के साथ लॉजिस्टिक सेंटर में उतर जाता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे साथ एक और टीम यहाँ हमारी खुजली मिटाने के लिए उतर जाती है। फ्रेंड्स, आप इस गेम प्ले वीडियो में बने रहिए, आपको इस गेम प्ले में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो हमारी वीडियो को आप लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर उतरते ही एक UMP-45 मिल जाती है। फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि बंदों को चुन चुन कर मारेंगे, लेकिन यहाँ पर एनिमी हमारी टीममेट की फूल खोल कर मार रहे थे, तो फ्रेंड्स हम भी UMP-45 से एक एनिमी की गांठ फाड़ देते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा 3 नंबर घुटनों पर आता है तो वो मुझसे कहने लगता है कि भाई प्लीज़ हमें रिकॉल कर दो। तो फ्रेंड्स, अब आप सुनिए मैं इसे कैसे रिकॉल कर सकता हूँ जब बंदा एक मेरे सामने नॉक पड़ा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने उस एनिमी को फिनिश करता हूँ और अपना किल सिक्योर करता हूँ। अब आप फ्रेंड्स सुनिए हमारे टीम मेट क्या कहता है। थर्ड नंबर रिकॉल टावर भाग गया, तालाब पार कर, तालाब गंगा जी समुंदर पार कर भाई, उसको छोड़ दे, 2 नंबर को छोड़ दे। थर्ड नंबर गंगा जी पार कर दे। हे देयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, फिर क्या था, मैं बाइक को उठाता हूँ और समुंदर को पार कर देता हूँ। फ्रेंड्स, हमें क्या था, हम तो अपनी खुजली बाद में भी मिटा लेंगे, पहले टीममेट को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी बाइक को मस्ती में लेते हुए जा रहा था, लेकिन मेरी बाइक का पिछला टायर पंचर हो जाता है, इसीलिए वो लिविक के गड्ढों में बार बार फंस जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे ही यहाँ से बाइक को जंप कराता हूँ, बाइक फिर से गड्ढे में फंस जाती है, तो मैं सोचता हूँ चलो इस बाइक को कचरे में फेंको। फ्रेंड्स, मैं यहाँ से पैदल ही अपनी टीममेट को रिकॉल करने जाता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं सोचता हूँ क्यों ना थोड़ी लूट कर ली जाए, तो मुझे सामने एक स्पाइरल पड़ी मिलती है, मैं उसे उठा लेता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास कोई ढंग की गन नहीं थी। फ्रेंड्स, मैं अपने टीममेट को रिकॉल करने जा रहा था, फिर भी हमारे टीममेट अपनी जान दिए जा रहे थे। फ्रेंड्स, मैं कभी भी किसी भी रैंडम के साथ गेम प्ले करता हूँ, मैं उसे रिकॉल जरूर करता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो, क्योंकि फ्रेंड्स चाहे रैंडम हो चाहे अपना टीममेट हो, उसे मैं हमेशा एक बराबर समझता हूँ। फ्रेंड्स, हम जैसे ही अपने टीममेट को रिकॉल करते हैं तो हमारे टीममेट फिर से ही अपनी खुजली मिटवाने के लिए उसी जगह पर उतर जाते हैं जहां पर हम पहले उतरे थे। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए मैं जैसे ही उस तरफ जाने लगता हूं तो मुझे यहां पर एक एनिमी के फुटस्टेप आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए मैं उस एनिमी को किस तरीके से फिनिश करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं इस एनिमी पर जैसे ही एक स्पेयर मारता हूँ, ये एनिमी मिस्टर इंडिया हो जाता है। फ्रेंड्स, देखिए मैंने उसी जगह पर एग्जैक्ट मॉली की थी, फिर भी ये बंदा बच जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए ये एनमी यहाँ से कहाँ पर गायब हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं ऐसे एनमी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी मौली को ख़त्म होने देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप देखिए ये बंदा बंदर की झांट और सुअर की गांड में छुपा हुआ बैठा था। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस बंदे को फिनिश करने के बाद दोबारा से अपनी टीममेट की ओर चल देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो मुझे नाले में एक भैंस नहाती हुई दिख जाती है। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए मैं इस भैंस को किस तरीके से फिनिश करता हूँ। फ्रेंड्स, आपको ऐसी भैंसें बहुत ही ज़्यादा पानी में नहाती हुई मिल जाती हैं, आपने देखा होगा, चाहे वो एरेंगल मैप हो चाहे वो लिविक मैप हो, आपको हमेशा पानी के अंदर भैंसें नहाती हुई दिख जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इस भैंस को ख़त्म करने के बाद अपने टीममेट के पास जैसे ही पहुँचता हूँ तो फिर वहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि वहाँ से सारे एनमी कहीं पर भी गायब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको आगे इससे ज़्यादा और भी खतरनाक फाइट देखने को मिलने वाली है, तो आप इस गेम प्ले में बने रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वॉइस ओवर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो आप हमारी वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने न्यू वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने ये चैनल अभी खोला है। फ्रेंड्स, इससे पहले मेरा एक और चैनल था लेकिन उस पर कोई भी सब्सक्राइबर या व्यूज़ नहीं आते थे, इसीलिए मैंने उस चैनल को डिलीट करके ये न्यू चैनल बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मुझे इस चैनल पर जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, मैं टाइम टू टाइम अपने इस चैनल पर वीडियो डालता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए मुझे सामने एक एनमी दिखता है, मुझे मैं उसे इस कारण से किस तरीके से फिनिश कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा डिवाइस IQ Neo 6 है, इसमें गेम बहुत ही मक्खन चलता है। तो फ्रेंड्स, अब आप मेरा 6x का स्प्रे देखिए इस कारण के साथ। फ्रेंड्स, मैं जैसे ही इस बंदे को नॉक करता हूँ तो वहाँ पे उसका एक टीममेट और उतर जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उसे आगे फिनिश करने जाता हूँ लेकिन उससे पहले एक एनमी उसे फिनिश कर देता है। तो फ्रेंड्स, अब आप इस फाइट को एंजॉय कीजिए, मैं आपसे लास्ट में बात करता हूँ। फ्रेंड्स, Oh.
फ्रेंड्स, इन बंदों को फिनिश करने के बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो मुझे राइट साइड में एक एनिमी का साउंड आता है। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए मैं कितनी बड़ी गलती करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं उस बंदे को मारने में इतना ज़्यादा मगन हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि मेरे बगल में अभी एनिमी है। फ्रेंड्स, आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। आप कभी भी जब सर्कल की ओर जा रहे हैं तो आप सबसे पहले सर्कल जाइए और दूर के एनिमियों को मारने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप सर्कल जाते हैं तो आपकी हीलिंग बहुत ही कम होती है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं मेरी तरह तो कोई भी आपकी मेरी तरह खोल कर मार सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।